हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम परिधि जैन है और मैं एक पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल वन ऑफिसर पोस्टेड हूँ। आज सैलरी स्लिप की सीरीज़ में मैं आप सभी के साथ लेके आई हूँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल कैडर की सैलरी स्लिप। ये एक ऐसी जॉब है जो हर ईयर तो नहीं आती है ये वैकेंसी, लेकिन ये 3-4 साल में आती रहती है। और ये अगर आई है, अगर ये 2022 में या 2023 में आती है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है ना, वो बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम एक बैंकिंग एस्पायरेंट है और जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में, सेम वही इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है। तो अगर ये वैकेंसी आपके प्रिपरेशन के दौरान आती है, तो आपको ये अच्छे से देनी है, उतनी ही सीरियसनेस के साथ जितना आप एक बैंकिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो जॉब है वो बैंकिंग से काफ़ी कम वर्कलोड वाला होता है। ये बहुत ही अच्छा जॉब है और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो ये ऑब्वियसली एक बैंकिंग जॉब जो पब्लिक सेक्टर जॉब होती है उससे काफ़ी अच्छी जॉब है। तो इसकी सैलरी स्लिप मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मार्च 2022 की सैलरी स्लिप है एक न्यू जॉइनी की। तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक पे से। इसका बेसिक है 28,200 रुपीज़। DA जो वेरी कर सकता है, ये इस मंथ का है 8,291 रुपीज़। HRA 5,076 रुपीज़। ये 18% ऑफ बेसिक पे है। ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। कुछ सिटी में ये 24% ऑफ बेसिक होता है, कुछ सिटी में 9% ऑफ बेसिक होता है। उसके बाद कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं जो 32% होते हैं बेसिक पे के, जो हर एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकता है। तो ये जिसकी सैलरी स्लिप है उसके जो बेनिफिट्स है वो हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 1,692 रुपीज़, हाउसकीपिंग अलाउंस 2,820 रुपीज़, ड्रेस अलाउंस 1,410 रुपीज़, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,692 रुपीज़, लंच अलाउंस दैट इज़ मील वाउचर 1,410 रुपीज़। जो टोटल ग्रॉस अर्निंग्स है वो एक बहुत ही अच्छी और डिसेंट सैलरी है 50,591 रुपीज़। और ये एक क्लैरिकल लेवल की जॉब है। और वहीं हम बैंक में बात करें तो बैंक में जो क्लैरिकल लेवल होता है उसमें इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। अब इसके हम डिडक्शंस की बात करते हैं तो एम्प्लॉय फंडेड कॉन्ट्रीब्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में 70 रुपीज़ का मंथली डिडक्शन होता है, बेनिवोलेंट फंड रिकवरी में 30 रुपीज़ का, देन एम्प्लॉय मेडिकल हेल्थ स्कीम डिडक्शन 250 रुपीज़। जो थोड़ा मेजर डिडक्शन है वो है CPF डिडक्शन जो 4,379 है, और एम्प्लॉय पेंशन डिडक्शन है 730 रुपीज़। तो जो टोटल डिडक्शन से वो है 5,459 रुपीज़। तो जो इसकी नेट इन हैंड सैलरी होती है वो है 45,132 रुपीज़, जो ऑलमोस्ट एक बैंक PO के इक्विवेलेंट है। डिफरेंस बस यही आ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ ये सैलरी मिलती है, जैसे बैंकिंग में जो अलाउंसेस मिलते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलते हैं। फिर भी इन्हें कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है जो है मेडिकल, आपकी जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आपका जो मेडिकल होता है वो पूरा फ्री होता है, और कुछ कुछ सिटीज़ में इनके 2-3 सिटीज़ में क्वार्टर्स भी अवेलेबल है। तो जहाँ क्वार्टर्स होते हैं वहाँ ये क्वार्टर्स देते हैं, वहाँ ये HRA नहीं देते। और अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता तो आपके पास HRA मिलता है, लीज्ड अकोमोडेशन जैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी जॉब है FCI की, जो बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। क्योंकि मैं अगर अपना कहूँ तो जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी वैकेंसी भी आई है। ये हर कोई शेयर भी नहीं करता है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इसमें ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और उन्होंने भी मेरे साथ ही तैयारी की थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इसकी वैकेंसी आई है, मैंने इसका फॉर्म फिल नहीं किया था। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है जैसे FCI है, EPFO है, ESIC है, ये सब बीच बीच में आती रहती है। तो मैं आपको बाकी सारी वैकेंसीज की भी सैलरी स्लिप शेयर करूँगी ताकि आपको आइडिया लगे कि ये भी एक ऐसी जॉब है जहाँ पर आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूर देना चाहिए। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।